संवेदनशील और प्रेरणादायक शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करने और समृद्धि की दिशा में प्रगति लाए एक महत्वपूर्ण और एक सफल शिक्षा समन्वय समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह को भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन आयाम को आगे बढ़ाने के लिए अवसर के रूप में देखा जा सकता है। आयोजन की अध्यक्षता पूर्व DGP सील मधुर ने की और मुख्य अतिथि के तौर पर एम्स के पूर्व डायरेक्टर TD डोगरा पहुंचे। अकादमी के डायरेक्टर वैभव मिश्रा का कहना है कि 100 प्लस अकादमी ने शीर्ष शैक्षणिक शिखर सम्मेलन शिक्षा समन्वयम 2023 का आयोजन किया है। हमारे अकादमी का मुख्य उद्देश्य बच्चों और हमारा उद्देश्य है कि बच्चों को विद्यालयों में ही स्कूलों में ही कुछ कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए पढ़ाया जाए ताकि उन्हें कोटा न जाना पड़े और उन्हें स्कूल ड्रॉप करके डमी स्कूल में न जाना पड़े। इसके लिए हमने बहुत सारे विद्यालयों के प्रधानाचार्य प्रबंधक और कुछ शिक्षाविदों को आमंत्रित किया था और हमने एक छोटा सा प्रयास किया है कुछ बच्चों के ऊपर से तनाव कम किया जा सके। सर, हमने देखा कुछ बच्चे यहाँ पर अवार्ड ले रहे थे और बच्चे ISP बने हैं आपकी अकेडमी से, आपका मोटिवेशन से क्या फार्मूला और क्या मोटिवेशन देता था कि और भी बच्चे आपकी अकेडमी में आए? सर, अपने बच्चों को हम मेहनत करने की आदत, लोगों की नीड्स के हिसाब से, लोगों की पोटेंशियल के हिसाब से कि लोगों के बच्चों में क्या टैलेंट है उसको आइडेंटिफाई करके उसको कैसे विकसित करें, किस क्षेत्र में वो जाएं, और साथ ही साथ संस्कार और वैल्यूज़ के बारे में भी उसको डालने की, देशभक्ति की भावना को भी डालने के लिए मैंने इनसे विशेष अनुरोध किया है कि जो आदमी किसी कमिटमेंट के साथ काम करता है, जो यहाँ पर टीचर्स हैं उनको सम्मान मिले, उनको बच्चे लोग भी सम्मान दें और वो खुद भी ऐसे कार्य करें बिल्कुल कमिटेड होकर के अपने स्टूडेंट के वेलफेयर के लिए, बेटरमेंट के लिए, कि वो खुद ही आजीवन उनको जो है उनका ऋणी हो, तो इस बात की लोग कर रहे हैं। DGP साहब, इस अकेडमी की मैंने सबसे बड़ी खासियत देखी, यहाँ पर मेडिटेशन किया जाता है जिससे दिमाग में अगर थोड़ा भी होता है तो दिमाग भी यहाँ पर डेवलप किया जाता है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये मेडिटेशन, योग, ये दोनों चीज़ें हमारे देश की जो है निधि है और ये जो है पूरे विश्व में छा रही है। ये बहुत जरूरी है कि हर एक इंस्टीट्यूट में ये चीज़ हो और यहाँ इन्होंने शुरू से इस चीज़ को इम्पोर्टेंस दी है तो बच्चों को उसका अच्छा असर।